ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आप यहां बैठे हैं, देखिए आपका बच्चा पीछे से कोई गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, आपको फोन आ जाए कि जिस चीज के लिए आपने मना किया था बच्चे ने वही कर डाला, आपकी उग्रता 100% पे पहुंच गई, मन में तूफान चलने लगा, आज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो उसको एक लगा के ही बात करूंगी, अच्छा उसको लेसन सिखाऊंगी, तूफान उग्रता 100% तेज कदमों से आप घर की तरफ जा रहे हो, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो उसी बच्चे ने दरवाजा खोला जिसने मिस्टेक की थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने कान पकड़कर बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। खुद प्रैक्टिकल बताइए कि ये क्षमा शब्द सुनकर जो 100% उग्रता थी वो थोड़ी डाउन होगी या नहीं, वो 100 से 90 पर 80 पर आएगी कि नहीं, जो हाथ उठना था वो हाथ रुका कि नहीं, चोट लगने से बच गया। तो ये जो क्षमा है ये बहुत ही काम का गुण है हमारे लिए, जीवन जीना सिखाता है, जीवन का सुख लेना सिखाता है, परंतु अफसोस की बड़ा भारी है ये गुण, कमजोर इसको धारण नहीं कर सकते, कमजोर लोग तो बदला लेने की सोचेंगे, टांग खींचने की सोचेंगे, इस गुण को शक्तिशाली व्यक्ति ही धारण कर सकते हैं। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है क्षमा किसका आभूषण होता है, किसका आभूषण होता है क्षमा, कमजोरों का या वीरों का, वीरों का आभूषण होता है, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही क्षमा कर सकती है, क्षमा मांग सकती है। तो आज से जो हो गया मेरे से गलती, अगर इस जीवन को सुखी रखना है, कर्म भोगों से बचना है, कष्टों से बचना है, तो मन ही मन क्षमा दान दीजिए, क्षमा मांग लीजिए।